हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के टेक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना किसी भी तरीके का कीमती सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डेली टेक न्यूज़ लाता रहता हूँ। आज की पहली टेक न्यूज़ अमेज़ॉन को लेकर है दोस्तों। अमेज़ॉन की ओर से हमें दो नए टैबलेट मार्केट में दिए गए हैं दोस्तों, जो कि है फायर टैबलेट कंप्यूटर। ये दोनों जो टैबलेट है दोस्तों, ये आपको 3 जून से सेल पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसके अगर हम शुरुआती कीमत की बात करें तो इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई वो $89.99 रखा गया दोस्तों। तो यह अमेज़ॉन की ओर से एक और नया प्रोडक्ट हमें पेश कर दिया गया है। अमेज़ॉन बहुत सारे ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट लाता रहता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे डील के साथ ही हमें प्रोडक्ट देखने को भी मिल रहा है। अगली न्यूज सैमसंग और हुंडई को लेकर है दोस्तों। ये दोनों मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट जारी कर रहे हैं दोस्तों। ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि इन दोनों कंपनीज की ओर से हमें क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा दोस्तों, और यह नए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे वो कब तक मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अगली न्यूज़ मीडिया टेक को लेकर है दोस्तों। मीडिया टेक 18 मई को अपना 2 नया 5G वाला चिपसेट मार्केट में पेश करने वाला दोस्तों। तो देखते हैं कि ये जो नया वाला चिपसेट होगा इसके साथ हमें कब तक और कौन सा स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिल पाएगा। अगली न्यूज़ सैमसंग की ओर से निकल के रही है। सैमसंग का गैलेक्सी जी, जो कि एक फ्लिप फोन था दोस्तों, उसका एक अब 5G वेरियंट बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलने वाला। और ये जो 5G वेरियंट होगा इसके साथ हमें एक न्यू कलर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि ब्राउन कलर होने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं कि सैमसंग जो अपना ये नया वाला 5G वेरिएंट वाला फोन होगा दोस्तों, उसे किस प्राइस रेंज पर मार्केट में लॉन्च करता है। अगली न्यूज़ ऑनर की ओर से निकल के आ रही है। ऑनर अपने 6 नए प्रोडक्ट 18 मई को लॉन्च करने वाला, जिसमें आपको उसका मैजिक बुक टैबलेट, जो कि एक 5G प्लस वाईफाई 6 के साथ आएगा, और तीसरा जो होगा वो वाईफाई राउटर है दोस्तों, और फिर जो कि वाईफाई 6 सपोर्टेड होगा, और जो इसका X10 है, और भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स के साथ हमें ये ऑनर का ये इवेंट देखने को मिलने वाला। तो 18 मई को दोस्तों देखते हैं कि ऑनर की ओर से हमें क्या क्या प्रोडक्ट नए मार्केट में देखने को मिल पाता है। अगली न्यूज MI को लेकर आ रही है। MI की ओर से हमें बहुत ही जल्द एक नया क्रेडिट कार्ड देखने को मिलने वाला दोस्तों, जो कि MI GF ज्वाइंट क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, ये सिर्फ अभी चाइना में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो देखते हैं कि इसे ग्लोबली तरीके से कब तक मार्केट में लाया जाता है। और अभी तक आपको एप्पल का क्रेडिट कार्ड देखने को मिल चुका है, गूगल भी इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है दोस्तों, और MI की ओर से भी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं दोस्तों कि आप इन तीनों ब्रांड में से किसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करोगे। अगली न्यूज़ रियलमी की ओर से निकल के आ रही है। रियलमी के जो CEO है माधवन सेठ, उन्होंने आज ट्विटर पर एक छोटा सा टीज़र जारी करा दोस्तों, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिखाया है कि इसमें आपको रियलमी का वॉच बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको CU सून लिख के देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद की जा रही है कि रियलमी का वॉच भी हमें बहुत ही जल्द मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि रियलमी एग्जैक्ट इसे कब तक मार्केट में और किस प्राइस रेंज पर लेके आता है। अगली न्यूज़ MIUI 12 को लेकर आया दोस्तों। इसे ग्लोबली लॉन्चिंग डेट तो कंफर्म कर दी गई दोस्तों, 19 मई को आपको ये ग्लोबली तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इसके जितने भी जो स्मार्टफोन में इसके सपोर्ट दिए जाएंगे दोस्तों, वो सारे नाम को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना कि आपके पास जो भी इनमें से स्मार्टफोन है दोस्तों, उसमें आपको कब तक MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ गूगल क्रोम को लेकर है दोस्तों। गूगल क्रोम व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए बहुत ही अलग तरीके का और बहुत ही नया फीचर अपने गूगल क्रोम में इन्वेल्ट करने वाला दोस्तों, जो कि वीडियो कॉलिंग का फीचर होगा। अब आप डायरेक्ट गूगल क्रोम से ही वीडियो कॉलिंग कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। और अभी तक अगर परसेंटेज की बात करें तो अभी तक 67% लोग जो है डेस्कटॉप यूज़र वो क्रोम यूज़र यूज़ करते हैं दोस्तों। तो जो कि एक डेस्कटॉप यूज़र के लिए भी वीडियो कॉलिंग की सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। तो देखते हैं कि एग्जैक्ट हमें ये गूगल क्रोम में ये फीचर कब तक देखने को मिल पाएगा। अगली न्यूज़ एक नए तरीके के कैमरे कॉन्सेप्ट को लिखा है दोस्तों। एक नया कैमरा खोजा गया दोस्तों, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा यह पेश किया गया है। इसमें आपको 70 लाख FPS का फ्रेम रेट देखने को मिलने वाला है दोस्तों। अभी तक जितने भी DSLR आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, उसमें आपको 1000 तक ही देखने को मिल पाता, और यह 70 लाख FPS दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और यह जो है CUSP लेज़र कॉन्सेप्ट भी यह काम करता है दोस्तों, जिस वजह से ये बहुत ही यूनिक
जो कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कैमरा अवेलेबल नहीं है दोस्तों, वो इन्होंने पेश करा है। तो देखते हैं कि इसका और भी जो यूज़ है दोस्तों कहाँ कहाँ और क्या क्या नए टेक्नोलॉजी में हमें देखने को इसका इस्तेमाल मिल पाता है। अगली न्यूज़ एप्पल को लेकर आ रही है। एप्पल का SE 2020 दोस्तों उसके सेल को कंफर्म कर दिया गया है। 20 मई से आपको दोपहर 12 बजे से इसका सेल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आपके पास एक HDFC क्रेडिट कार्ड है तो या फिर डेबिट कार्ड है तो उस पर आपको ये जो स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत जो होने वाली दोस्तों वो 38,999 रुपये होगी, जो कि 64GB वाले वेरियंट के लिए। तो अगर आपके पास एक HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोस्तों तो आप आसानी से जाके इसे परचेज कर सकते हैं 20 मई से। अगली न्यूज़ वीवो की ओर से निकल के आ रही। वीवो का जो है X50 दोस्तों उसके एक रिटेलर बॉक्स को देखा गया दोस्तों, जिसमें यह कंफर्म देखने को मिल रहा है कि यह जो स्मार्टफोन होगा वो 5G वाला स्मार्टफोन होगा। और साथ ही साथ आपको बैक में एक रेक्टेंगुलर शेप भी कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट ये नहीं देख पाए दोस्तों कि इसमें कितने मेगापिक्सल और कितने कितने कैमरा देखने को मिल सकता है। और वहीं फ्रंट में आपको पंच होल वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि वीवो और इसकी जानकारी ऑफिशियली तरीके तक कब तक हमें दे पाता है और यह स्मार्टफोन मार्केट में कब तक देखने को मिल पाता है। अगली न्यूज़ OnePlus 8 को लेकर आया दोस्तों। OnePlus 8 के सेल को कंफर्म कर दिया गया दोस्तों। आपको ये एग्जैक्टली जो सेल होगा 29 मई से सभी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको 18 मई को Amazon पे एक सेल रखा जाएगा दोस्तों, जो कि कुछ मिनटों के लिए होगा और कुछ लिमिटेड यूनिट ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप OnePlus के ज़्यादा इंतज़ार करते हो तो आप 18 मई को Amazon पे एक बार ज़रूर से विजिट कर लेना दोस्तों। ऐसे सभी जगहों पे आपको 29 मई से आसानी से देखने को मिल जाएगा, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। OnePlus के जो ये स्मार्टफोन है बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे, तो देखते हैं कि OnePlus इंडिया में इसका मार्केट कितना हैवी हमें देखने को मिल पाता है। अगली न्यूज़ Realme की ओर से निकल के आ रही है दोस्तों। Realme अपने जो 25 मई को एक इवेंट रखने वाला है दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उसमें से एक प्रोडक्ट के आज लीक सामने निकल के आया दोस्तों कि हमें Realme का जो Buds Air Neo है दोस्तों वो भी उस इवेंट में देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको 13mm का ड्राइवर भी देखने को मिलने वाला और ये एक ट्रूली वायरलेस है ईयरफोन होने वाला है। तो देखते हैं कि Realme क्या इस प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आता है, अगर आता है तो किस प्राइस रेंज पर हमें देता है। अगली और आखिरी न्यूज जो वो Huawei की ओर से निकल के आया दोस्तों। Huawei का जो है वॉच GT 2e वो से इंडिया में लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। इसकी जो प्री बुकिंग है वो 15 मई से शुरू कर दी जा रही है, और अगर आप 21 मई से पहले अगर आप इसे परचेस करते हैं दोस्तों तो आपको इसके साथ एक ब्लूटूथ वाला हेडफोन भी फ्री में दिया जाएगा दोस्तों। तो आप जल्दी से जाकर अगर आपको परचेस करना है तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा दोस्तों कि आप 21 मई से पहले इसे जाकर खरीद लें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना। और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डेली टेक न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो बस जय हिंद, जय भारत।